ईडी ने आपको बुरा फंसाया। सिसोदिया को लेकर हाईकोर्ट में बहस, शराब घोटाले में अब आम आदमी पार्टी का नाम, केजरीवाल की पार्टी पर ईडी संकट। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया को लेकर हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज एक बार फिर सुनवाई हुई। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ने याचिका का विरोध दर्ज कराया और बताया कि वह इस मामले में जल्द ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करने वाली है। ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि यह आम आदमी पार्टी को भी मामले में आरोपी बनाया जाएगा और जल्द ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की जाएगी। सिसोदिया के वकील की मांग का विरोध करते हुए ईडी की ओर से पेश हुए वकील जुहैब हुसैन ने कहा कि इस मामले में ईडी जल्द ही आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने वाली है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जल्द ही ईडी सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल करने वाली है। इसके बाद मनीष सिसोदिया की ओर से देरी पर सवाल खड़ा किया गया और कहा गया कि मामले में प्रोग्रेस नहीं हो रही है और बहुत धीमे तरीके से सब किया जा रहा है। दूसरी ओर ईडी के वकील ने जमानत का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार पर बनाया और कहा कि जमानत याचिका जांच गुणदोष के आधार पर की जानी चाहिए। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने पहले भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद ही मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ट्रायल कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से ही इनकार कर दिया था। ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई और ईडी की तरफ से किए गए केस में सिसोदिया को बेल नहीं दिया था। वहीं दिल्ली के राहुल जेवनी कोर्ट में भी 30 अप्रैल को कथित शराब घोटाला मामले में सुनवाई हुई थी, जहां से सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। आपको बता दें कि इस मामले में केजरीवाल और संजय सिंह को पहले ही जमानत मिल चुकी है। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए जमानत दिया कि चुनाव कोई ऐसी फसल नहीं जो 6 महीने में पक कर तैयार हो जाएगी, इसलिए केजरीवाल को जमानत दिया गया ताकि वो चुनाव प्रचार कर सके। हालांकि केजरीवाल को 2 जून को ही सरेंडर करना होगा, लेकिन सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ी मुश्किल घड़ी है कि आखिर क्या अब आम आदमी पार्टी पर भी संकट ईडी की ओर से मंडराने लगा है। इस खबर को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ऐसी ही लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करके रखें वन इंडिया हिंदी।